नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज कुमार, स्वागत है आप सभी का प्रियंका नॉलेज बैंक में। कहिए कैसे हैं आप, आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों मैं अपना चेहरा कैसे धोता हूँ, आज मैं लगाऊंगा बेसन, 2 चम्मच बेसन ले लेते हैं। और ये घर का पिसा हुआ बेसन है, ऑर्गेनिक दाल का, ऑर्गेनिक चने की दाल का। 2 छोटी चम्मच इसमें हमने बेसन ले लिया कटोरी में। अब इसमें मिलाएंगे थोड़ा सा दूध, आप चाहें तो दही भी मिला सकते हैं। और इसको मिक्स करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। ओके, ये देखिए मिश्रण तैयार हो गया है। और अब इसको थोड़ी देर के लिए रख देते हैं, इतने मैं अपने चेहरे को धोवाता हूँ, क्योंकि कोई भी फेस पैक लगाने से पहले चेहरा अच्छी तरह से आप धो लें। चेहरे को मैंने वॉश कर लिया है और अब इसको लगा लेते हैं। आप चाहें तो इसमें दही भी मिला सकते हैं, थोड़ा सा गुलाब जल भी मिला सकते हैं, सादा पानी भी मिला सकते हैं। मैं लेकिन इसमें थोड़ा सा कच्चा दूध मिलाता हूँ और नहाने से पहले अपने चेहरे पर लगा लेता हूँ ऐसे। ओके, बहुत आसान है। आप चाहें तो इसके लगाने के लिए किसी चम्मच का प्रयोग कर सकते हैं, हल्का हल्का ऐसे। ओके, अब इधर लगाया, ऐसे ऐसे। और अच्छे से लगा लेते हैं, सारे फेस पर ऐसे लगा लेना है। ऐसे किया, ये हो गया। ओके, अब थोड़ा माथे पे भी लगा लेते हैं। आप चाहें तो इसमें हल्दी मिला सकते हैं, लेकिन मैंने हल्दी नहीं मिलाई है। और पूरा फिनिश हो गया है। और इसको लगाने के बाद ज़्यादा बात नहीं करनी है, ठीक है, 15 से 20 मिनट में सूख जाएगा। और लगाने के बाद ज़्यादा बातचीत नहीं करनी है, ठीक है, मिलते हैं 15 मिनट के बाद। दोस्तों 15 मिनट हो चुके हैं और ये पूरी तरह से सूख गया है। अब मैं ताज़े ठंडे पानी से चेहरे को धो लेता हूँ। ओके, और धोते समय ध्यान रखना है इसको हल्के हाथों से ऐसे स्क्रब कर लेना, ठीक है। ये जो पैक है हमारी त्वचा का जो एक्स्ट्रा ऑयल है उसको दूर करता है और कील मुहासों को बढ़ने से रोकता है, साथ ही त्वचा की अंदर तक जाकर सफाई करता है। और ये नेचुरल है पूरी तरह से, बहुत ही अच्छा क्लींजर है ये। अब थोड़ा सा पानी और लगा लेते हैं। ओके, अच्छी तरह से आप चाहें तो दोनों हाथों का प्रयोग कर सकते हैं। ओके, और ये पूरी तरह से सूखा है ना, थोड़ा टाइम लगता है इसको हटाने में।
हाथों को ज्यादा दबाव डालते नहीं स्क्रब करना, बहुत प्यार से, ठीक है? ध्यान रखना है इन चीजों का आपको। और इस पैक का एक फायदा हो रहा है, ये आपके चेहरे पर झुर्रियां लाने से रोकता है, त्वचा को लटकने से रोकता है। और इस पैक को सिर्फ चेहरे पे ही नहीं, आप अपनी पूरी बॉडी पे अप्लाई कर सकते हैं। आप जब नहाएं तो इस पैक को बनाएं, चेहरे पे लगाएं, पूरी बॉडी पे लगाएं और फिर नहा लें 15-20 मिनट बाद लगा के रखने के बाद। और हफ्ते में आपको 2-3 बार इस पैक को लगाना है, ठीक है? अब ये आसानी से साफ हो जाएगा। अब अच्छी तरह से धो लेता हूँ, धोता हूँ थोड़ी देर में। ओके, चेहरा मैंने धो लिया है, अब लगाऊंगा ग्लिसरीन और गुलाब जल। क्रीम कोई लगाता नहीं है, सर्दियों में थोड़ा खुश्की हो जाती है, ये अच्छे मॉइस्चराइजर का काम करता है, ठीक है? थोड़ा मिलाया इसमें, थोड़ा मिलाया और ओके। तो दोस्तों, आप भी ये पैक अपने चेहरे पर लगाएं और अपनी त्वचा संबंधी समस्याओं से मुक्ति पाएं। बहुत ही अच्छा पैक है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ ऐसे ही नए टिप्स के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।